साथियों, यहां की सरकार ने पहला काम किया आयुष्मान भारत, पीएम जय यानी मोदी केयर से छत्तीसगढ़ को हटाने का निर्णय किया। दूसरा फैसला क्या किया? दूसरा फैसला उन्होंने किया सीबीआई को राज्य में आने नहीं देंगे। अरे क्यों भाई, आपको किस बात का डर है? आपका क्या बिगड़ जाएगा अगर आपके राज्य में गरीब स्वस्थ हो जाए, आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल जाए, गरीब को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल जाए? आपको तो कुछ देना नहीं है। आप क्यों इस लाभ से उस गरीब को, आदिवासी को वंचित करना चाहते हैं? भाइयों बहनों, असल में कांग्रेस का रोम रोम बिचौलियों के एहसान तले दबा हुआ है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की सल्तनत दलालों और बिचौलियों के एक मजबूत तंत्र से फली फूली। यही कारण है कि यहां की नई सरकार ने सबसे पहले आयुष्मान भारत से बाहर निकलने का फैसला किया गया है। ये योजना बहुत सफलता के साथ यहां के गरीब परिवारों को जीवन दान देने का काम कर रही थी, लेकिन अब यहां के गरीबों से आयुष्मान भारत के तहत इलाज कराने का अधिकार छीन लिया गया है। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आखिर वो क्यों ऐसा करते हैं। मैं जानना चाहता हूं, मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर वे छत्तीसगढ़ के गरीब को किस बात की सजा दे रहे हैं? आज देश का गरीब मोदी के साथ खड़ा हो गया है, ये उनको बहुत चुभता है। उनको लगता है कि हमारे 55 साल के कारोबार में हमने सुबह शाम गरीबों की माला जप करके ये हमारा एकाधिकार बना दिया था, गरीब यानी हम। ये मोदी कौन होता है जिसको गरीबों ने स्वीकार कर लिया, गरीबों ने अपना लिया? और मोदी कौन होता है जो गरीबों का ईमानदारी से काम करने में जुड़ जाए और इसी बात ने उनको परेशान करके रखा हुआ है? लेकिन कांग्रेस के लोग समझ ले, आपने 55 साल गरीबों के नाम पर देश को गुमराह किया, गरीबों को बर्बाद किया, उनके सपनों को कभी अंकुरित तक होने नहीं दिया। हमने 55 महीने के भीतर भीतर गरीबों में एक नया विश्वास भरा है, नया जोश भरा है, नए सपने सजाए हैं और उसकी उंगली पकड़ करके आगे निकलने के रास्ते खोजे हैं। और इसलिए अब गरीब गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपने पैरों पर खड़े होने लगा है। यह आपको चुभ रहा है? आपने गरीबों को इतने सालों तक मूर्ख बनाया था, आज गरीब आपका हिसाब मांग रहा है, इसलिए आपके आंखों में चुभ रहा है? और इसलिए आप छत्तीसगढ़ में आते ही गरीबों को मिलने वाली मदद को छीन ले रहे हो? साथियों, छत्तीसगढ़ आप फिर बरसों पुरानी स्थिति की तरफ लौटता हुआ दिख रहा है। कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी की बीमारी, ऐसी अनेक गंभीर बीमारियों की स्थिति में छत्तीसगढ़ के गरीब भाई बहन को अपनी सारी जमीन और घर बार तक बेचने की नौबत आएगी
और यही बैठे हुए कांग्रेस के तौर तरीकों का नमूना है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना में वैज्ञानिक तरीके से लाभार्थियों का चयन होता है, कोई किसी का नाम लिस्ट से हटा नहीं सकता, फर्जीवाड़ा करके किसी का नाम जुड़ नहीं सकता और पैसे सीधे अस्पताल के अकाउंट में जाता है, मरीज को एक भी रुपया अस्पताल को देना नहीं पड़ता है। गरीब को यही सीधी मदद बिचौलियों के सहारे काम करने वाली कांग्रेस कैसे बर्दाश्त कर सकती है? ऐसी कोई भी योजना जिसमें दलाल ना हो, बिचौलिए ना हो, वो कांग्रेस को रास नहीं आती है। साथियों, जिनको पीढ़ियों से मलाई खारने की लत लगी हो, जो 15 वर्षों से तरस रहे हो, वो चौकीदार की ऐसी चाक चौबंद योजना को जारी कैसे रख सकते हैं? वो तो ऐसी योजना लाएंगे जिसमें तुम भी खाओ, मैं भी खाऊं, इसकी पूरी पूरी व्यवस्था हो, उनको उसी में रुचि है। भाइयों और बहनों, घोटाले गपलों की इस नीति और नियत का ही परिणाम है कि यहां की सरकार ने सीबीआई की जांच में भी अड़ंगा लगाने का फैसला लिया। एक बात मुझे बताइए, अगर किसी ने कुछ किया नहीं है तो वो क्या किसी जांच से डरेगा क्या? डरेगा क्या? डरेगा क्या? क्या कोई भी एजेंसी बिना किसी कारण से पूछताछ कर सकती है क्या? अगर राज्यों में देश के ईमानदार करदाताओं के पैसे से भ्रष्टाचार होता है तो सीबीआई को कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं है? साथियों, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कांग्रेस को इसमें समस्या है। समस्या इसलिए है क्योंकि वो अभी से ही अपने भ्रष्टाचार को छिपाने में लग गई है। आखिर दिल्ली से भी तो उसे यही संस्कार विरासत में मिलते हैं और अगले चुनाव के लिए उनको तो छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाना है कांग्रेस पार्टी का। अगर सीबीआई यहां बैठेगी तो एटीएम बनेगा कैसे? क्योंकि दिल्ली वालों को उनको बक्से भर भर कर कुछ माल भेजना है, इसी के बदले में तो यहां व्यवस्थाएं की जा रही है। और इसलिए कांग्रेस के नामदार परिवार के करीब करीब हर सदस्य के विरुद्ध आज देखिए अदालतों में गंभीर मामले चल रहे हैं। कुछ जमानत पर छूट रहे हैं, कुछ अग्रिम जमानत लेकर के जी रहे हैं। क्या मामले चल रहे हैं? टैक्स चोरी के, जमीन और प्रॉपर्टी में घोटाले के। हालत यह है कि परिवार के ज्यादातर सदस्य आज जमानत पर बाहर है या अग्रिम जमानत लेकर के बैठे। कानून से बचने की इनकी कोशिशों के बीच चौकीदार अलर्ट है। उनके हर राज को बाहर निकालने में जुटा है। देश विदेश से इनके राजदारों को, इनके दलाल मामा और चाचाओं को भारत लाया जा रहा है और जांच एजेंसियों के हवाले किया जा रहा है।